मेरे भाई अगर आपके बाल यहाँ से पीछे जाने शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे टेम्पल्स बनने शुरू हो गए हैं, मतलब खड्डे, यहाँ से बाल आपके झड़ने लग गए हैं, मुबारक हो मेरे भाई, मेल बॉल्डनेस पैटर्न में आपका खाता खोल चुका है, अच्छी बात नहीं है। इसे वैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्यों होता है, हम इसको क्या कर सकते हैं ताकि ये खत्म हो जाए और रीग्रो होने लग जाए आपके बाल। तो प्लीज यार ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों होता है। जेनेटिक्स की वजह से होता है, मेन कारण ये है, या फिर डीएचटी मैंने पुरानी वीडियो में आपको बता रखा है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बायोकेमिकल रिएक्शंस। अभी जो डीएचटी है एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे आ रहा था, जिस वजह से आपका बाल ना बहुत ज्यादा थिन 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 और बारीक होकर टूटने लग जाता है, और मेजरली यहां से टूटता है या फिर यहां से टूटता है और आपकी हेयरलाइन पीछे जाती रहती है। अब इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके यहाँ पे टेम्पल्स बन रहे हैं ना, तो इसका आगे वाली स्टेज ये हो सकती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ से सारे बाल हट सकते हैं। अब इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें डीएचटी ब्लॉकिंग फूड्स खाने पड़ेंगे, जो कि है कैरेट, आलमंड्स, बनाना, मशरूम, बहुत सी आपको चीजें मिल जाएगी गूगल पे भाई, वो चीज खाना शुरू करो। और मेरे भाई इसके साथ साथ आप मेरी एक छोटी सी रेमेडी फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आपको 3 दिन में से एक बार आपको एक छोटा सा हेड मसाज सेशन रखना है। अब ये आप अपने फेवरेट ऑयल से रख सकते हो, बस उस ऑयल के अंदर आर्टिफिशियल प्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि उसकी वजह से अल्कोहल होगा, अल्कोहल आपके बालों का सत्यानाश करेगा, तो ये हम नहीं चाहते हैं। इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा अनियन जूस आपको इसके अंदर मिक्स करना है और मसाज करना है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका काइंड ऑफ काफी हद तक सही हो जाएगा। अब ये जो मैंने चीजें बताई है ना, 60-70% जेन्युइनली लोगों के बाल रीग्रो होने शुरू हो जाएंगे। काफियों के तो मेरे को थैंक यू मैसेज ऑलरेडी आई है, मतलब लाइक जब मैंने टिकटॉक पे शेयर करी थी, काफियों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। पर जिनका नहीं आया ना, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, एक डॉक्टर को प्लीज कंसल्ट कर लो, क्योंकि वही आपको प्रोपेशिया या फिर मिनोक्सिडिन या फिर कुछ और शायद से प्रिस्क्राइब करे, जो कि आपके लिए जादू की तरह एक्ट करेगा। तो मेरे भाई यहीं पे मेरी वीडियो खत्म है। इसके साथ साथ अगर आपको और हेयर लॉस या फिर हेयर स्टाइल आप कैसे रख सकते हो उस पर वीडियो देखनी है।